दिनेश शर्मा, आज आपको विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में बताऊंगा। बहुत छोटी सी जानकारी है, बात काम की बात है, ज्ञान की बात है, छोटी सी बात है, महत्वपूर्ण बात। आगे चलते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम संस्कृत का है, भगवान विष्णु के हजार नाम हैं। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं या हमारे जानने वाले हैं या अपने भारत के निवासी हैं, उनके साथ संस्कृत पढ़ना, किताबों का ज्ञान या फिर पढ़ने का समय नहीं होना, तो आज बहुत सारे YouTube के चैनल में बहुत अच्छे अच्छे तरीके से और बहुत ही संस्कृत के अच्छे उच्चारणों के साथ YouTube के चैनल उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उस YouTube के चैनल से आप अपनी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुन सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले आगे बढ़ूँ कि ये बता दूँ, विष्णु सहस्त्रनाम के लिए गीता प्रेस की 206 नंबर बुक है, इसका ज़रूर आप इस्तेमाल करें, खरीद लें। और एक PDF विष्णु सहस्त्रनाम पे एक और किताब जो डिटेल में आई है गीता प्रेस से, वो भी मैं बता ही देता हूँ। श्री विष्णु सहस्त्रनाम, इसका कोड नंबर 819, ये इसका कोड नंबर है 819, ठीक है, विष्णु सहस्त्रनाम। इस किताब में लगभग 270 पेज की है ये किताब, और इसका रेट जब मैंने तो खरीदा था, मेरे पास ये 18 रुपये की किताब है, अब निश्चित रूप से बढ़ गया होगा, शायद 18 36 हो गया होगा या 50 रुपये की हुई होगी। इसमें विष्णु सहस्त्रनाम के शांकर भाष्य है, ठीक है, और इसमें बहुत डिटेल है, एक एक नाम की, विष्णु सहस्त्रनाम के एक एक नाम की, भगवान विष्णु के हजार नाम हैं और एक एक जो नाम है विष्णु के, भगवान ये के मंत्र स्वरूप हैं, ठीक है। तो इसका एक एक डिटेल भी आपको यदि जानने के इच्छुक है, जो जानना चाहता है, यहाँ से स्टार्ट होता है जनरली, ओम विष्णु विष्णु वशटकार भूत भव भूत प्रभु भूत कृत भूत भ्रत भाव भूता भूतात्मा भूत भावना। जब इसमें डिटेल आप इनके नामों का पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसा लगता है कि पूरे की पूरी सनातन हिंदू संस्कृति का परिचय आपको हो जाएगा। उस नामों में ये जादू है, एक से एक नाम का विवरण है और बड़ा आनंददायक है। और ये जब आप पढ़ोगे तो एक एक दो चार चार छः छः पेज में, ये एक श्लोक का चार छः पेज मिलेगा आपको डिटेल। तो इस तरीके से ये 267 पेज की है, 267 पेज की लगभग एक किताब है गीता प्रेस की। इस किताब को भी आप ले सकते हैं और अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं और जो है पूजा उपासना में और महारत हासिल कर सकते हैं। खासकर विष्णु सहस्त्रनाम की बात है, मुझे विष्णु सहस्त्रनाम बहुत पसंद है, तो जनरली मैं विष्णु सहस्त्रनाम का किसी रूप में प्रचार करते रहता हूँ, ये मेरा लालच है ना। चलते हैं आगे। अब मेन YouTube की बात करते हैं, कौन से YouTube के चैनल है जिसमें हम अच्छे से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनने को मिलेगा। मैं आपको सुना इसलिए नहीं पाऊंगा, तो यदि सुनाऊंगा तो मेरे चैनल में स्ट्राइक पड़ जाएगा, है ना, तो इसलिए सुना नहीं पाऊंगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है इस चैनल का नाम है द संस्कृत चैनल, ठीक, ये यहाँ चैनल का नाम लिखा है द संस्कृत चैनल, बहुत ही बढ़िया चैनल है। और इसमें विष्णु सहस्त्रनाम यदि ऐसा चलता रहेगा, ये मैंने स्टार्ट किया, देखिए कांत, ये मैंने साउंड बंद कर दिया, नहीं तो मेरे चैनल में स्ट्राइक पड़ जाएगी। स्ट्राइक मतलब यूट्यूब नोटिस भेजता है कि तुम चोरी कर रहे हो, चोर हो तुम, दूसरे की चीज़ें आप दिखा रहे हो, ठीक है। तो मैं साउंड बंद कर दिया हूँ। ये महाशेना का फिर ये अदृश्य का व्यक्त रूप, ठीक है, व्यक्त रूप का ही इज द वन ऑफ द एन इविडेंट फॉर्म, अंग्रेजी में भी दिया है और आप चूंकि हिंदी की किताब आप खरीद सकते हो, हिंदी मिल जाए, अंग्रेजी वालों के लिए भी है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा ये सहस्त्रजित अनंतजित ईस्ट अवशिष्ट, बहुत अच्छा उच्चारण भी है इनका, बहुत अच्छा उच्चारण है, ये संस्कृत के चैनल है, ये अच्छे ज्ञानी है, मेल पर्सन है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। इनके चैनल पे जब विजिट करोगे ना यहाँ द संस्कृत चैनल, तो यंत्र क्या होते हैं, मंत्र क्या होते हैं, संस्कृत के उच्चारण क्या होते हैं, और भी मिलेगा, ललिता सहस्त्रनाम भी आपको इसमें मिलेगा। मैं आपको विजिट करा ही देता हूँ, इनके चैनल को विजिट करा देता हूँ। ये इनके चैनल पे आप जाओगे तो यही शख्स जो दिख रहे हैं, यही शख्स हैं, ये बहुत ही अच्छे से संस्कृत की चीज़ों को समझाए हैं। यहाँ से ये कल ही इन्होंने डाली है 3 दिन पहले 1000 नाम लॉर्ड विष्णु के, बहुत ही बढ़िया, इनका साउंड भी बहुत अच्छा है और ललिता सहस्त्रनाम भी है इसमें। आगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी और चक्र के बारे में लिखा, आप जब यहाँ पे विजिट करेंगे प्लेलिस्ट में तो चक्र के बारे में भी इन्होंने लिखा है, चक्र कैसे होते हैं और गायत्री मंत्र के बारे में बताएं, आपको जो भी चाहे आप इसमें विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चैनल है वाला बंदा है,
ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसके उच्चारण और इसके बॉडी लैंग्वेज से ही आपको पता लग जाएगा एक चेहरे में तेज है कि ईमानदारी दिखती है ना। तो चेहरे में तेज ऐसे ही नहीं मिलता है, बड़े मुश्किल से मिलता है ईमानदारी का तेज और ज्ञान, ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है कि सभी को मिल जाए। तो ये जो चैनल है संस्कृत चैनल, इसमें विजिट करिए और अपना जो है ज्ञानवर्धन कीजिए और आनंद में रहिए। दूसरा है हमारा एक चैनल है जिसमें सुप्रभात वेंकटेश्वरा सुप्रभातम मिलेगा आपको, एम एस शुभलक्ष्मी का ओरिजिनल है, तेलुगु डिवोशनल चैनल है ये, तेलुगु डिवोशनल चैनल, ठीक है आपको समझ में तो आ जाएगा। इसके बाद इसमें सुप्रभातम है, वेंकटेश्वरा सुप्रभातम। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम और सुनना है तो विष्णु सहस्त्रनाम, ये धन्वंतरी चैनल है, ये धन्वंतरी चैनल का भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विष्णु सहस्त्रनाम एम एस शुभलक्ष्मी का, मुझे तो सबसे ज्यादा यही पसंद है। लेकिन ये इसमें क्या था कि केवल हम सुनते थे और एम एस शुभलक्ष्मी ने बहुत तेज गाया, लेकिन इनका आवाज बहुत ही कर्णप्रिय और बहुत मधुर है, मैं तो बचपन से ही सुनते आ रहा हूँ भाई, ठीक है। मुझे सौभाग्य है कि मेरे को मिला है ये सब सुनने को मिल गया है मुझे, और ये जो सुप्रभातम ये भी मैं बचपन से सुना हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो उत्तम मुझे लगा ये वाला लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है स्त्री शिखंडी नहुष रश, इसके आप प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर कर पाओगे, ठीक है। क्रोधकृत कर्ता विश्वबाहु महीधर, ठीक है, ये अच्युत, और इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर हो जाएगा अपना, और अंग्रेजी का भी चाहे तो वो भी जान लोगे आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोनाउंसिएशन ध्वनि विज्ञानी तो है मंत्र, और क्या है, ठीक है, अधिष्ठानम, तो ये सबसे मुझे बेहतर लगा। और उसके बाद आप लोगों को ये मैंने चार बताया है, ये चार में से आपको जो भी उचित लगेगा आप इसका ले सकते हैं आप, है ना। तो ये इस प्रकार का मेरा ये जानकारी था, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, मुझे लगा कि ये बताना जरूरी है क्योंकि सामान्यतः मैं विष्णु सहस्त्रनाम की चर्चा करते रहता हूँ, तो ये भी बताना जरूरी कि भाई आप कहाँ से इसको प्राप्त करें, कैसे करें। और ये निवेदन है मेरा आपसे कि यदि आपको बहुत कम दामों में मिलती है, 18 रुपये की हार्डली 40 की हो गई होगी अभी, ये विष्णु सहस्त्रनाम यदि जिसको इच्छुक हैं आप लोग, इसमें ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं विष्णु सहस्त्रनाम में, शंकराचार्य का भाष्य है ये वाला, बहुत ही उम्दा है और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इसको आप ज़रूर ले लें, कुछ ज़्यादा दाम नहीं है, 40 रुपये तो बहुत छोटी सी बात होती है, 40 भी नहीं हुआ होगा मुझे तो लगता हार्डली 30 रुपये का हुआ होगा, 30 या 25 रुपये का, क्योंकि गीता प्रेस तो वैसे ही कम दामों में ही बेचता है। तो फ्रेंड्स ये मेरी जानकारी आपको कैसे लगी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी, ठीक है, क्योंकि ये बात बतानी जरूरी थी, काम की बात ज्ञान की बात छोटी सी। थैंक यू, हरे कृष्णा।